आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो आज का हमारे पास प्रश्न है, सारणिक दे रखा है cos x माइनस ए, cos x प्लस ए, cos x, sin x प्लस ए, sin x माइनस ए, sin x, cos a tan x, cos a cot x, cos a 2x का मान क्या है। ठीक है, ऑप्शन एक दे रखा है हमारे पास एक, दूसरा दे रखा है sin a cos a, तीसरा दे रखा है 0 या फिर sin x cos x। तो ये हम इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें सारणिक क्या दे रखा है, cos x माइनस ए, cos x प्लस ए, cos x, sin x प्लस ए, sin x माइनस ए, sin x, cos a tan x, cos a cot x और cos a 2x। ठीक है, अब हम इसको स्तंभ एक को C1, C2 और C3 से निर्देशित कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि C1 में C1 प्लस C2 जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा cos x माइनस ए प्लस cos x प्लस ए, sin x प्लस ए प्लस sin x माइनस ए का। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं cos x माइनस ए प्लस cos x प्लस ए। ठीक है, इसी तरीके से sin x प्लस ए प्लस sin x माइनस ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, cos a को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा tan x प्लस cot x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस ए sin x माइनस ए और cos a cot x। ठीक है, यहाँ पे हमारा cos x है, sin x है और cos a 2x है। ठीक है, और देखिए अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्म त्रिकोणमिति में हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि cos x माइनस ए प्लस cos x प्लस ए किसके बराबर होता है, 2 cos x cos a के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos x cos a। ठीक है, और sin x प्लस ए प्लस sin x माइनस ए किसके बराबर होता है, 2 cos x sin a। ठीक है, सॉरी 2 sin x cos a के बराबर होता है। ठीक है, और cos a को cos a, ठीक है, tan x को क्या लिखता हूँ, sin x अपॉन cos x, प्लस cos x को मैं क्या लिख, cot x को क्या लिख सकता हूँ, cos x अपॉन sin x। ठीक है, साथ में मैं ये लिखता रहूंगा cos x प्लस ए sin x माइनस ए और cos a cot x। ठीक है, इधर मेरे बराबर में चलता रहेगा cos x sin x और cos x 2x। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से C1 स्तंभ से क्या करूंगा, मैं cos 2 cos a को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 2 cos a को कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, 2 cos a को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, cos x, यहाँ पे sin x और यहाँ पे 1/2, चूंकि यहाँ पे दो नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, sin x cos x LCM आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, sin square x plus cos square x जो कि a के बराबर होता है। ठीक है, दूसरे स्तंभ का वैसे ही उतर जाएगा, cos x plus a sin x minus a और cos a cot x। ठीक है, यहाँ पे भी cos x sin x cos x 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो क्या बन रहा है मेरा, नीचे क्या बन रहा है, 2 sin x cos x, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का, और 1 upon sin 2x बराबर क्या हो जाएगा, cos x 2x। ठीक है, तो इसकी जगह मैं cos x 2x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, 2 cos a cos x sin x cos x 2x। ठीक है, cos x plus a sin x minus a
कॉस ए कॉट एक्स, ठीक है, और साथ में कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स टू एक्स, ठीक है। तो देखिए अब मेरा सी वन स्तंभ किसके बराबर आ रहा है, सी थ्री, और हम जानते हैं जब सारणिकों में दो स्तंभ एक समान हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, सारणी का मान क्या आ जाएगा, जीरो। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।